अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं हूं मलिक एहसान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मलिक एहसान ऑनलाइन। तो आज आप दोस्तों के साथ इस लर्निंग रिमोट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। ये है लर्निंग रिमोट। अब इसका क्या वर्क है, कहां पे ये वर्क करता है, कैसे करता है, उसकी थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसके अंदर भाई आप 3 से 4 रिमोट कॉपी कर सकते हैं। ये चीज़ मार्केट में आई है तो मैंने सोचा भाइयों के साथ शेयर करते हैं। अब इसका आपको क्या बेनिफिट है, जो आपका ओरिजिनल रिमोट होगा ना वो आपका सेफ्टी से पड़ा रहेगा। ये मेरे पास है रिमोट प्रीमियम 12800 का। अब इसके कोई मसला मसाइल बनता है इस रिमोट के साथ, कभी हमने परचेज़ करना हो अगर, तो हमें ओरिजिनल रिमोट मिलेगा नहीं। अगर मिला तो आपको 1500-2000 से कम नहीं मिलेगा। अब इसको बचाने का क्या तरीका है, ये तरीका है। ये आप लर्निंग रिमोट लें, मार्केट से आराम से मिल जाता है, सिटी से मिल जाता है। आप मेरे से लेना चाहें मेरे से भी ले सकते हैं। तो इस एक रिमोट के ज़रिए आप अपना एलईडी का भी रिमोट बचा सकते हैं। ये मेरे पास एलईडी चल रही है, ये देखें, ये मेरा रिसीवर चल रहा है और ये मेरा एलईडी का रिमोट है। अब यहाँ पे देखें, मुझे 2 रिमोट संभालने पड़ते हैं। अब इन दोनों को करें आप साइड पे। ये 2 रिमोट हमारे हो गए जनाब, एक रिसीवर का और एक इस एलईडी का। अब क्या है, इनको साइड पे कर दें। ठीक है जी, इनको साइड पे कर दिया। यहाँ पे आपका एक रिमोट वर्क करेगा, एलईडी के भी ऊपर ये रिमोट वर्क करेगा। आपको बकायदा चेक कराऊंगा और आपके रिसीवर पे भी ये वर्क करेगा। अब कैसे वर्क करेगा, तो चलें जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। सब दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के निशान को ज़रा ना बड़े प्यार से प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों तक पहुंचता रहे। ये भाइयों रिमोट मैं निकाल रहा हूँ कवर से। बड़ा आसान तरीका है इसको, तो मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये सोचा। इसके साथ ये है मैनुअल बुक भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। रिमोट ज़रा देखें आप, रिमोट की लुक देखें, इसकी कंडीशन देखें। जैसे ओरिजिनल रिमोट होते हैं ना जी, इतना खूबसूरत रिमोट है, बेहतरीन इसकी लुक है। और इसके जो बटन है ना, बड़े सॉफ्ट है, सॉफ्ट बटन है। जैसे आप टच मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना जी, इस तरह मतलब इसके बटन प्रेस करते हैं। अभी इसमें मैंने सेल नहीं डाली, ये देखे कोई नहीं है इसकी लाइट शाइट ना, कोई नहीं। चलें इसमें मैं आपको सेल लगा के और इसको किस तरीके से कॉपी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने अलहदा रिसीवर के लिए रखा हुआ है, एलईडी के लिए अलहदा रखा हुआ है। ये इसके अंदर बुक भी है, इसके ऊपर भी सारी तरतीब लिखी हुई है। इसको आप ऑपरेट करके भी कॉपी कर सकते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिकल कॉपी करके दिखा दूँगा। ये सारी इसके ऊपर भी है डिटेल, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं जनाब ना, जो मकसद की वीडियो है ना वो मैं आपके साथ है। इसमें मैं ये सेल डाल लेता हूँ, सेल डाल के ना मैं फिर आपको चेक करवाता हूँ जी। फ्रेंड्स ये मैंने इसमें सेल डाल दिए, अब देखें जनाब ये वर्क कर रहा है। ये देखें इसकी जो लाइट है ना वो ब्लिंक कर रही है, लेकिन रिसीवर के ऊपर ये अभी कोई वर्क नहीं कर रहा। ये देखें मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, ये वॉल्यूम वाला बटन हो गया, कोई भी प्रेस नहीं, काम नहीं कर रहा प्रेस करने से। अभी इसको कैसे कॉपी करना है हमने वो आपको दिखाता हूँ जनाब। ये मेरा रिमोट है, इसको मैं शॉपर से निकाल लेता हूँ। ये मेरा रिमोट है जनाब प्रीमियम 12800 रिसीवर का। ये देखें ये रिसीवर चल रहा है, मैं इसको वर्क करूँगा। ये देखें इसने तो वर्क करना है, ओरिजिनल रिमोट है। ठीक है जी, अब इसके बाद मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा रिमोट मैंने उठाया, ये देखें कोई वर्क नहीं कर रहा, ये इसकी लाइट ब्लिंक कर रही है, ये देखें, लेकिन यहाँ पे कोई प्रेस, ये प्रेस करने से ना कोई वर्क नहीं कर रहा। अब इसके अंदर हम इसका सिस्टम लेके आते हैं, कैसे लेके आना है। चलें जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। इन दोनों जो है ना रिमोट आपने रख देना बिल्कुल सामने इस तरीके से। ठीक है जी,
रिसीवर मैंने बंद इसलिए किया क्योंकि इसके बटन प्रेस करने से फिर वो वर्क करने लग जाता तो काम गलत हो जाता है। अब जनाब देखें, ये है आपके रिसीवर का रिमोट है, इसके ऊपर क्या है, एक बटन है टीवी का, थोड़ा सा जूम नहीं हो रहा, ये देखिए ये टीवी का है और ये इसके ऊपर बॉक्स लिखा हुआ है। टीवी का मतलब ये आपके एलईडी के लिए काम करेगा, बॉक्स जो है वो है आपका रिसीवर है। यहाँ पे भाई आपने प्रेस करना है बॉक्स वाले बटन को, थोड़ा सा इसको आप प्रेस करके रखेंगे ना तकरीबन 2-3 सेकेंड, ये देखना ज़रा आप, ये लाइट प्रॉपर ऑन हो गई है। अब क्या करना है, ये हमारा पावर ऑफ वाला बटन, पावर ऑफ ऑन वाला, इसके ऊपर हमने इसको कॉपी करना है। पहले हमने जो भी आपने बटन कॉपी करना है ना, पहले आपने लर्निंग रिमोट का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे हमने प्रेस किया पावर वाला, तो फिर इसको प्रेस किया, ये देखें इसने अपने अंदर कॉपी कर लिया। अब आप म्यूट वाले को ले आएँ, म्यूट पे इसको प्रेस करें, यहाँ पे म्यूट वाले को प्रेस करें, ये भी इसने कॉपी कर लिया। अब आ जाते हैं जनाब इनकी तरफ, यहाँ पे आप एक प्रेस करें, फिर यहाँ पे एक प्रेस करें, ये भी कॉपी हो गया, दो और यहाँ पे दो, तीन यहाँ पे तीन, चार यहाँ पे भी चार, पांच इधर भी पांच, ये हमारा 1 से 9 तक कॉपी हो गए। अब हमने करना मेन्यू कॉपी, यहाँ पे देखें ये मेन्यू है, मेन्यू यहाँ पे मेन्यू, ये आ गया, ये मेन्यू भी कॉपी हो गया। अब आ गया जनाब एग्ज़िट, यहाँ पे ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट और ये हो गया एग्ज़िट है, कौन सा बच गया। अब आ गए सेटेलाइट पे, सेटेलाइट का यहाँ पे बटन लिखा हुआ कोई नहीं, सेटेलाइट को आप यहाँ पे रख दें, टेक्स्ट पे रख दें, चाहे स्कोर पे रख दें, स्कोर पे रख लेता हूँ, स्कोर पे कॉपी होगी जनाब। अब आ गया ये टीवी वाले बटन है, टीवी रेडियो वाले, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट पे रख लें, ये भी हमारा कॉपी हो गया। अब हो गया लेफ्ट राइट, ये हो गया आपका राइट, यहाँ पे हमारा ये राइट बनेगा, ये राइट भी कॉपी हो गया, ये अप हो गया, ये भी अप हो गया, डाउन हो गया, ये भी डाउन हो गया, ओके ये भी ओके, ठीक हो गया जी। अब आ गया जनाब यहाँ पे ये है ऑडियो, ये जो बटन होते हैं इनके लिए, इधर रेड है इधर भी रेड है, यहाँ पे ये रेड हो गया, यहाँ पे ये रेड हो गया, ये हो गया ग्रीन और ये हो गया ग्रीन, ये येलो, ये येलो, ये ब्लू हो गया और ये भी ब्लू हो गया, ठीक है। अब ले देख लेते हैं जी रिकॉल वाला बटन, यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे किधर गया, ये हो गया। अब इतना तो मेरे को, इसी तरीके से आपने कॉपी करना, वीडियो लंबी हो जाएगी, बस अब मैं आपको, अब आपका ये कॉपी हो गया, इसको आपने प्रेस कर देना बॉक्स को, इसने अपने अंदर डाटा सेव कर लिया। ये देखिए मेरा रिसीवर ऑफ है, अब मैं इसको ऑन करता हूँ, मैंने रिसीवर ऑन कर दिया, ये देखें ये रिसीवर ऑन हो गया, ऑन होने तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, चले ऑन हो गया, पॉज करते ही नहीं है,
ये मेरा सर्वर भी कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है मेरा ओरिजिनल रिमोट है, ये देखिए ना वॉल्यूम मैंने अप किया, अब इसको मैं करता हूँ साइड पे, ये देखिए ये मैंने रख दिया, ठीक है जी। अब ये देखिए ये इस बटन रिमोट से मैं अब कर रहा हूँ काम, ये आपके सामने है, ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, देखें ठीक है। अब मैं ओके वाला बटन दबाऊंगा, ये आपके सामने चैनल लिस्ट आ गई। ज़बरदस्त चीज़ है भाई, आप इंशाल्लाह परचेज करेंगे आपको मज़ा आएगा, आप ओरिजिनल रिमोट इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन अब तुझसे झूठ नहीं, ठीक है ये देखें, इतना कमिट करता हूँ कि पूरी सिंसियरिटी के साथ करूँ, जितने भी बटन मैंने कॉपी किए सारे वर्क कर रहे हैं प्रॉपर पे। आखिर तक अंतरिक्ष का साथ देना पड़ेगा, और अगर इस बार तू बीच में छोड़ के गया ना तो ये हो गया। उसके बाद ये मेन्यू देख लें, ये मेन्यू भी आ गया, इसका मैंने बैटरी मेन्यू वाला बटन दबाया, वैसे एग्जिट आपके सामने करते हैं, ये अभी मेन्यू खड़ा है, और ड्रमर ड्रमर कहां से, ये मैं इसको एग्जिट कर रहा हूं, ये देखिए ये एग्जिट हो गया। यहां पे मैंने इसका सैटेलाइट का बटन रखा था, इसका स्क्वायर वाले बटन पे ना, तो ये आपके सामने सर लाइट आ गई। तो ये तरीका है इसका, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, जिस भाई को परचेज़ करना हो वो मेरे से परचेज़ भी कर सकता है। कोई परचेज़ करने बाद किसी बटन की या कोई समझ नहीं आती, यहाँ पे मेरा नंबर है, आप मेरे साथ रब्ता कर लेना।